जाने वाले हैं भोली की तरफ, और एक दोस्त रहता है वहाँ पे, तो उससे मिलना हो जाएगा। वासेपुर भी अगल बगल ही आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वासेपुर का ही ब्लॉग किया जाएगा, थोड़ा टाइम देंगे उसको। और फिलहाल अभी चलते हैं अपने दोस्त से मिलने। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के घर पे। काफ़ी बड़ा घर बनवा चुका है बेचारा, बहुत साल से मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत। और अभी तो आपको एक और सरप्राइज़ दिखाना बाकी है, जो कि इसने गैरेज में छुपा के रखा है। 350 क्लासिक, काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ गए हैं यार इसमें। 10 10 10 ये नया आया है, ये कुछ नहीं है छपास, टंकी उतना ही है ना, बस तेल महंगा होते जा रहा। माइलेज भाई, बाकी गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है। माइलेज 30 25 अरे साल 25 कितना माइलेज है? 25 बस। वो साइकिल खड़ी है गैरेज में, वो चलाया कर, थोड़ा टेस्ट ड्राइव लिया जाए। खराब हो गया क्या? चैन उठाए हो? ऐसा घर इतना गली गुच्चा में है कि इस बुलेट में एक दो फायदे मेरे को अभी तक नजर आए, हालांकि अभी तक तो चलाए नहीं मैंने, तो फायदे कहाँ से नजर आएंगे। थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे रोड पे, कॉलोनी के लोग गाली तो नहीं देंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं, जो हमारी सबसे पहली लोकेशन है वो अटपटे बाबा के चटपटे समोसे, क्योंकि भोली में वही सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसा राहुल ने बताया। राहुल पर ये सच है कि झूठे पता नहीं भाई, ये तो आप लोग बताओगे ना जो भोली में रहते हैं, ये तो बोलेगा ही जो इसके एरिया की फेमस चीज़ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है वो चालू है। सूरज कहाँ रह गया? ये भोली का ग्राउंड है जहाँ तुम क्रिकेट खेल के बड़ा हुआ है, ये भोली था ना। भोली में वैसे कुल 5 ब्लॉक है, नहीं ABCDE, और बहुत सारे लोग रहते हैं यार भोली में। जो इधर कहीं भोली में कोई मार्केट लगता है ना, हटिया मार्केट, क्या बोलते हैं उसको, बुधना मार्केट लगता तो इधर ही लगता था। क्या क्या बोलते हैं उसको, सनीचरी हटिया, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है, तो भोली में रहते हैं वो लोग जान पाएंगे। और इधर पंडाल वगैरह लगता है इधर, लेकिन भोली में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ का दुर्गा पूजा। यहाँ 5 ब्लॉक में कंपटीशन चलता है किसका बेस्ट रहेगा, हालांकि कंपटीशन आपस में नहीं रहता है, पूरे धनबाद में रहता है। और कई बार कोई ना कोई ब्लॉक वाले जो हैं, जिनका पंडाल बहुत अच्छा बनता भी है, अवार्ड वगैरह भी मिलता है इनको। तुम लोग किस ब्लॉक में आते हो? हम लोग तो अभी शाम तो अभी हम लोग जिसमें चल रहे हैं ये ए ब्लॉक है भोली का, और ये बुलेट चलाने में बहुत मेरे को मज़ा आ रहा है। चालू है कि नहीं? अब ये चलाए बुलेट ताकि मेरे को शूट करने में सुविधा पड़े। अरे अटपटे बाबा का चटपटे समोसा आने वाला है, बाबा इधर ही आते समोसा खाने। हम बोले तो अटपटे लिखा हुआ है, तो बोलते हैं बाबा के समोसे, बाबा ने लिखा है तो अटपटे पहले लिखा हुआ ना, उस राइमिंग में पड़ा हुआ है वो। भोली के ब्लॉक बी में, और यहाँ अटपटे बाबा के चटपटे समोसे बहुत फेमस है, तो बस हम लोग आ गए उसको टेस्ट करने के लिए। सिगरेट खाएगा ना, एक एक ले लिया जाएगा। यहाँ पे बहुत फेमस है ये चीज़,
तो अगर आप पहले से खा चुके हैं तो बहुत लकी हैं आप, अगर नहीं खाए हैं तो अभी भी आके ट्राई कर सकते हैं। हम लोग तो आज करने वाले हैं। ये लेकिन नाम बड़ा खतरनाक है, अटपटे बाबा के चटपटे समोसे। अभी हम लोग आ गए हैं बेटर ब्लेंड कैफे में, जो कि यहाँ का सुने कि किटकैट शेक बहुत फेमस है, तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा ट्राई करने के लिए। और इन्होंने नई नई दुकान अपनी स्टार्ट की है, तो बस अब हम लोग इसको पी के देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। कौन है ये? अंकल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे किटकैट शेक ज़रूर ट्राई करना है, बहुत यम्मी है और काफ़ी आपको रेट भी रिजनेबल लगेगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। चलो हीरो बाय। लगता है ये क्या है, यहाँ लगता है ये जो है वो भूली का बी ब्लॉक था। हाँ ये बी ब्लॉक, ये अभी हम लोग जिसमें हैं ये शक्ति मार्केट है। हाँ यहाँ पे ट्यूशन वगैरह भी करते हैं, सब कुछ मिलता है इधर। नहीं तुम्हारे अकॉर्डिंग बचपन से तुम सब कुछ यहीं से उठाया है? एक से होगा, एक ही है। राहुल अक्सर यहाँ पे बचपन में शॉपिंग करने आता था। अब किधर चलना है? ये मार्केट खत्म हो गया, अब हम लोग होली वाले से सिद्धि विद्या मंदिर स्कूल चले। भाई इतनी खराब ड्राइविंग स्किल है, इसकी डर ही लगता है। लिखा हुआ ये है भूली का डी ब्लॉक। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, राजकमल में पढ़ा है। कौन? धनिया उसको बोलते हैं हम लोग। हटिया धनिया, धनिया वैसे सुबह अंकल नाम है। धनिया जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, राहुल आपके तरफ से हाय बोलना चाहता है। राहुल यहाँ पे डी ब्लॉक का हटिया लगता है। हाँ सूरज हम लोग को फॉलो कर रहा है बेचारा। सरस्वती विद्या मंदिर भूली, जो कि बहुत लोग इसको राजकमल ही बोलता था ना। हाँ राजकमल, हालांकि राजकमल नहीं है। राजकमल बस एक ही है जिसमें हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के राजकमल आए थे, हमारे राजकमल वो बैंक मोड़ वाला। और उसमें से कुना सपना था बचपन से राजकमल में पढ़ने का, इसलिए इसमें एडमिशन लेके बोलते हैं हम राजकमल में पढ़े बचपन से। ये राजकमल का प्रोडक्ट नहीं है, छोटा भाई है। सरस्वती विद्या मंदिर का प्रोडक्ट है। सरस्वती विद्या मंदिर का प्रोडक्ट एक ही है ना भाई, राजकमल एक ही है जिसमें तुम पढ़ा है। नहीं विद्या भारती के अंदर आता है, जिसमें हम 10 साल पढ़े हैं, 3 क्लास से लेकर 12 तक। तुम इसमें 10 साल पढ़ा है? नहीं राजकमल में अपना। तो हम लोग थोड़ा अंदर से भी क्लोज शॉट ले ले। किसी होनार बच्चे ने पेंटिंग बनाई, यहाँ शुभम का फोटो नहीं है, इसमें नायक नाल का फोटो है। क्या किया यार तुम लोग, कुछ अच्छा काम नहीं किया था क्या? इंडिपेंडेंस डे वगैरह यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है, हम भी एक बार आए थे लड्डू खाने के लिए। इंडिपेंडेंस डे तो ये हम लोग स्कूल भी घूम लिए, हालांकि ये पर्पस वीडियो का इसलिए था कि जो स्कूल में पढ़े हैं वो लोग अपना स्कूल देख सके भाई। और उसमें भी शुभम है, कुणाल है, और बाकी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन स्कूल में पढ़ा है, यही मेरे को सिर्फ दो ही जन याद आ रहे हैं। ये है झारखंड मोड़, और यहाँ पे भूली समाप्त। वैसे भूली को पता 1950 या 1951 में शायद बसाया गया था, वो कोल वर्कर्स के लिए, और तो बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। जगजीवन राम की वाइफ भूलिया देवी के नाम पे जगह का नाम भूली पड़ा था। अच्छा बोकारो 42 किलोमीटर है, जाना है? बोकारो नहीं जाना भाई।